रावण वीर है लेकिन हनुमान जी महावीर है। बागेश्वर धाम में अपनी मुराद लेकर आने वाले भक्तों की अधिक भीड़ मंगलवार और शनिवार को उमड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ मांगने की चाहत को लेकर आने वाले कई लोग धाम में अपनों को भी खो देते हैं। इसी साल के जनवरी माह से लेकर अब तक 21 लोग धाम से लापता हो चुके हैं। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2023 से अब तक बागेश्वर धाम से 21 लोग गायब हैं, जिनमें से 9 लोगों का पता चल चुका है मगर 12 लोग अब भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में मौजूद है। जिले के गंज नामक कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूर गढ़ा गाँव पड़ता है और उसी गाँव में हनुमान जी महाराज का एक मंदिर, यही मंदिर प्रांगण बागेश्वर धाम और हनुमान जी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के नाम से भी विख्यात हैं, शास्त्री देश भर में धार्मिक कथाओं का वाचन करते हैं। साथ ही ये कथावाचक लगातार अपने चर्चित बयानों और कथाओं के दौरान लगने वाले दिव्य दरबार को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में कथावाचन करने पहुँचे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को पुलिस ने नोटिस थमा दिया। उन्हें यह नोटिस हनुमान कथा शुरू होने से पहले ही दे दिया गया था। पुलिस ने यह एक्शन वंचित बहुजन अघाड़ी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की लिखित शिकायत पर लिया है। पत्र के आधार पर अंबरनाथ शिवाजी नगर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को IPC की धारा 139 के तहत नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।